तो आपके अपने चैनल एग्जाम आप का स्वागत है दोस्तों आरआरबी जेई और टेक्निशियन के रिगार्डिंग आप लोगों का क्या अपडेट रहने वाला है आज इस वीडियो में उसी के बारे में डिस्कस करेंगे जैसा कि आप लोगों को पता है कि आरआरबी जेई जूनियर इंजीनियर के जितने भी कैंडिडेट हैं जिनका एडवर्टाइजमेंट नंबर जीरो थ्री और टेक्निशियन वाले छात्र जिनका एडवर्टाइजमेंट नंबर दो हज़ार जीरो वन दो हज़ार अट्ठारह है उनका अभी वेटिंग क्लियर नहीं हुआ है और जी वालों का अभी तक कोई न्यूज़ नहीं आया है जब से ये सर्कुलर जारी हुआ था रेलवे की तरफ से कि कब ये तीस तारीख को सर्कुलर जारी हुआ था कि एक तारीख को सभी जितने भी रेलवे जोन हैं उनको जितना भी वैकेंसी खाली है जिन जिन जोन में जिन जिन, जिन आर में सभी को वहाँ पर उपलब्ध कराना है लेकिन इससे रिलेटेड आगे स्टूडेंट के लिए ऑफिशियल कोई भी ऐसा अभी तक अपडेट नहीं आया है कि कब कितने क्या आगे प्रोसेस होगा कब से उनका ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा या फिर उनका पैनल कब से जारी किया जाएगा ऐसा कोई भी अपडेट अभी तक नहीं दिया गया है इसी के रिगार्डिंग आज का न्यूज़ में क्या आया है उसी पे हम आज बात करने वाले हैं तो दोस्तों ये देख सकते हैं कि ये दीपक बहलसर का ये इन्होंने आर्टिकल आज प्रकाशित किया है ये दैनिक जागरण के चीफ एडिटर हैं तो इनके द्वारा आज देख सकते हैं कि प्रकाशित किया गया है आधिकारिक पत्र नहीं जारी हुआ है अभ्यर्थी चिंतित हैं जो भी सर्कुलर जो जारी हुआ था उसके बाद जिस तरह से मांगा गया था कि आप लोग एक तारीख को तीस तारीख को जो जारी किया गया था शाम में सर्कुलर और एक तारीख को सभी को सबमिट करने के लिए बोला गया था लेकिन जैसा पता चला था कि सभी रेलवे जोन जितने भी आर हैं उन्होंने जमा नहीं किया था एक तारीख को और उन्होंने डिले किया था कुछ ने जमा किया था और कुछ ने डिले करते करते तीन चार दिन पाँच दिन लगा दिया है और सुनने में आ रहा है कि लगभग अब सभी जितने भी आर हैं उन्होंने अपना भेज दिया है जितने भी वैकेंसी लिस्ट है उन्होंने लगभग लगभग भेज दिया है सभी ने तो उसके बाद भी अभी तक के क्या अपडेट है स्टूडेंट के रिगार्डिंग ऑफिशियली कोई भी ऐसा अपडेट नहीं दिया गया है ये दीपक सहल बहल सर का ये आर्टिकल प्रकाशित हुआ है आज के न्यूज़ में यहाँ पर देख सकते हैं रेलवे की स्टैंडिंग कमेटी में उठा था जेई टेक्नीशियन की भर्ती का मामला तो इसी के रिगार्डिंग इन्होंने आज क्या प्रकाशित किया है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ये आपका मेंबर हैं जो कि आपका डी आर यू सी सी जो कि डिविजनल रेलवे यूजर कंसल्टेटिव कमिटीज उनके ये मेंबर है ये अमर सिंह हैं और यहाँ पर ये रेल मंत्री हैं तो ये इन्होंने भी जाकर मिला था दस तारीख को लेकिन इसके रिगार्डिंग कोई भी अभी तक इन्होंने ज्ञापन सौंपा था कि जल्द से जल्द जितने भी स्टूडेंट हैं उनका वेटिंग क्लियर कर दिया जाए तो इसी के रिगार्डिंग आज आर्टिकल में दीपक वालसर ने ये आवाज़ उठाया स्टूडेंट के लिए इन्होंने हमेशा स्टूडेंट के पक्ष में बात की है तो इस बार भी इन्हीं के द्वारा काफ़ी स्टूडेंट ने जाकर मिला था तो इनके द्वारा समय समय पर बात उठाई गई है जब से स्टूडेंट ने ये जई और टेक्नीशियन का वेटिंग का के मुद्दा उठाया है तब से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने प्रकाशित किया है आज के आर्टिकल में रेलवे में टेक्नीशियन और जूनियर इंजीनियर जेई पदों की वेटिंग लिस्ट अभी क्लियर नहीं हुई है जबकि इन अभ्यर्थियों की चिंताएँ लगातार बढ़ रही है टेक्नीशियन के लिए छत्तीस हज़ार पाँच सौ छिहत्तर और जेई के लिए तेरह हज़ार चार सौ सतासी पदों पर वैकेंसी तो निकाली गई थी लेकिन इनका अभी तक तैनाती नहीं दी गई है तो ये स्टूडेंट का भी टेंशन बढ़ रहा है दिन पर दिन क्योंकि एक तारीख को मांगा गया था सभी जोन से आज ग्यारह तारीख हो गया है आज तक अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है रेलवे जेई स्टूडेंट और टेक्नीशियन वाले स्टूडेंट के लिए तो यहाँ पर आगे बोला गया है कि इसी को लेकर रेलवे की स्टैंडिंग कमेटी में बैठक भी हुई थी जो कि आपका 28 अट्ठाईस जून को हुआ था रेलवे कमेटी का स्टैंडिंग कमेटी का बैठक तो उस इसी के बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है जिस जो भी अपडेट आता है पर डे आपका रेलवे टेक्नीशियन और जेई के रिगार्डिंग आपको द एग्जाम टर्म्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर अपडेट किया जा रहा है कि क्या आज न्यूज़ में आया या क्या आगे होने वाला है किनके द्वारा क्या प्रकाशित किया गया है या कोई भी अपडेट आता है आपको द एग्जाम टर्म्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाता है तो यदि आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं कि लेकिन मामला इससे आगे नहीं बढ़ा है जो सर्कुलर जारी हुआ था उसके बाद आगे क्या प्रोसेस हुआ है स्टूडेंट के लिए वो अभी तक कोई ऐसा अपडेट नहीं आया लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कई सारे आर से बात किए हैं तो उन्होंने उन लोगों को बोला है कि सभी आर से जितने भी वैकेंसी का लिस्ट था कि कितने कहाँ कहाँ खाली है सारा भेज दिया गया है और मीटिंग वगैरह शायद चल रहा है लेकिन वैसा कुछ अपडेट नहीं आया अभी तक यहाँ पर देख सकते हैं दूसरी ओर नौकरी पर तैनाती इंतजार कर रहे अभ्यर्थी ने अपने अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी बात रेल मंत्री सहित रेलवे अधिकारियों तक पहुंचाई है लेकिन अभी तक इसका आधिकारिक रूप से कोई लेटर जारी नहीं हो पाया है यानी कि अभी तक कोई भी ऑफिशियल जब तक लेटर नहीं आता है तब तक यहाँ पर ये तो बात बात करके इंटरनल कुछ किन्हीं से बात होता है तो पता चलता है लेकिन जब तक आधिकारिक नहीं हो जाता है कोई भी कि हाँ कब तक क्या उनका रिक्रूटमेंट स्टार्ट होगा तब तक अभी स्टूडेंट के लिए यह चिंता का विषय है यहां पर देख सकते हैं ऐसे ऐसे अभ्यर्थी, में यह अभ्यर्थी भी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं लेकिन इनकी चिंता है कि एक और उनकी आयु सीमा निकल रही एक और उनकी आयु सीमा निकल रही है तो दूसरी ओर आर्थिक हालात भी ज्यादा बेहतर नहीं है यह अभ्यर्थी चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द उनका तैनाती दी जाए चाहे वे किसी भी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी के तहत क्यों नहीं हो यानी कि इनका डाइवर्जन के थ्रू ही आप क्यों नहीं ले लेते हैं तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर बोला गया है कि आप डाइवर्जन अगर जिन आर से वो हैं अगर उसमें उनका सीट नहीं है मे भी यदि नहीं है वैसा तो सुने में आ रहा है कि सभी जगह हैं लेकिन यदि हो सकता है कि, कि किसी आर में नहीं हो तो वैसे में उनको डाइवर्जन के थ्रू लिया जाए दूसरे आर में कर दिया जाए लेकिन जैसा इसमें मांगा गया है कि दिसंबर आपका तीस दिसंबर 31 दिसंबर 2022 तक का मांगा गया है तो ये अगर इस डेट तक वैकेंसी दिया जाता है तो इसमें तो आपका वैकेंसी रहना ही चाहिए क्योंकि इससे जब पहले जो डाटा भेजा गया था तो वो तो आपका 2018 से आपको 20 तक का ही डाटा भेजा गया था कि उतने पर रिक्रूटमेंट करना है तो उस पे ही होगा लेकिन यहां तो दिसंबर 2022 तक का तो कोई बात नहीं हुआ था लेकिन सर्कुलर में आपका तक तो उनका फिलअप नहीं हुआ होगा वैकेंसी तो यहाँ पर चांसेस है कि सभी का हो जाएगा यहाँ पर आगे यहाँ पर क्या बोला गया है फिलहाल इन अभ्यर्थियों के पास इंतजार के सिवा कोई चारा नहीं है इस मुद्दे पर रेलवे स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य डॉक्टर अमर सिंह जो ये हैं डॉक्टर अमर सिंह जो कि रेल मंत्री को ज्ञापन दिया है यहाँ पर इन्होंने ज्ञापन दिया है आप देख सकते हैं ये ज्ञापन सौंप रहे हैं ये अमर सिंह हैं तो इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया था यह मामला है कि सन ये क्या मामला था तो इसके बारे में इन्होंने डिटेल दिया है दीपक भवल सर में यहाँ पर सन 2018 में सहायक लोको पायलट एल और टेक्नीशियन की भर्ती चौंसठ हज़ार तीन सौ इकहत्तर निकाली गई थी जिसमें से एल के सत्ताईस हजार सात सौ संतानवे और टेक्नीशियन के छत्तीस हजार पाँच सौ छिहत्तर पद थे मेडिकल के बाद दोनों ही पदों के परीक्षार्थियों को वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया था हालांकि एल की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी गई उनका हंड्रेड परसेंट उनका भी सर्कुलर आ गया था उन्होंने भी काफ़ी प्रोटेस्ट करने के बाद उन लोग का एक सर्कुलर आ गया था कि हंड्रेड परसेंट क्लियर किया जाना है सभी एलपी का लेकिन उसी एडवर्टाइजमेंट में टेक्नीशियन वाले छात्र हैं उनका ऐसा कुछ नहीं है कि उनका हंड्रेड परसेंट क्लियर करना लेकिन एल वाले के छात्रों को लिया गया कि सभी जितने आर आर हैं सभी से हंड्रेड क्लियर करना है तो उनका भी प्रोसेस चल भी रहा है सभी का आपका पैनल समय समय पर आ रहा है द एग्जाम टर्म्स के यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी अपडेट किया जा रहा है जिस जिस आर का आ रहा है जो आपको द एग्जाम टर्म्स के चैनल पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा समय समय पर जब भी अपडेट किया जाता है तो यहाँ पर भी आप लोगों के लिए अपडेट बता दिया जाता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेकिन वेटिंग में रखे गए टेक्नीशियन की शत प्रतिशत लिस्ट जारी नहीं की गई है यहाँ पर टेक्नीशियन वालों के लिए हंड्रेड परसेंट का ऐसा कोई बात नहीं हुआ है यहाँ पर इसी प्रकार जूनियर इंजीनियर के अभ्यर्थियों को भी वेटिंग लिस्ट में रखा हुआ है इन अभ्यर्थियों का मेडिकल हो चुका है लेकिन रिक्त पदों पर इनकी भर्ती का कोई विकल्प नहीं निकाला गया है जेई के तेरह हजार चार सौ सतासी पदों के लिए यह भर्ती सन दो हजार अठारह में निकाली गई थी जिसकी मेडिकल प्रक्रिया सन दो हजार उन्नीस में शुरू हो गई थी रेलवे मंत्रालय और आरआरबी के चेयरमैन को पत्र लिखकर रिक्त पदों को सर्कुलर जो जारी हुआ था तीस जून को उसमें आपका मांगा गया था सर्कुलर बाद में एल के वेटिंग में रखे परीक्षार्थियों को दूसरे आर में समायोजित कर दिया गया था जहां पर पद रिक्त थे टेक्नीशियन और जेई पद पर वेटिंग में रखे परीक्षार्थियों ने भी अपनी आवाज़ उठाई कि उनकी भी वेटिंग को क्लियर कर दिया जाए फिर चाहे दूसरे आर में नियुक्ति मिल जाए उससे कोई फर्क नहीं है आप उनको ज्वाइनिंग दे दीजिए स्टूडेंट्स सभी कह रहे हैं कि आप डाइवर्जन के थ्रू ही दे दीजिए यदि आपका आर आर में नहीं है तो ये भी बात सही है यहाँ पर आगे बोला गया है कि डी आर यू सी सी मेम्बर ने रेल मंत्री को लेटर दिया है जो कि ये है ये डी आर सी सू के ये मेंबर है यानी कि डिविजनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव कमिटीज डी आर सी सू के सदस्य दीपक भारद्वाज इनका नाम दीपक भारद्वाज है ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को इस संबंध में लेटर भेजा था तो इन दोनों ने जाकर यह ज्ञापन दिया था कि जल्द से जल्द इनका वेटिंग क्लियर किया जाए इसमें कहा गया है कि जी पदों के अभ्यर्थियों को वेटिंग लिस्ट अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है यह अभ्यर्थी परीक्षा मेडिकल फिटनेस सहित अन्य सारी औपचारिकता पूरी कर चुके हैं एल की ज्वाइनिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है लेकिन जेई के लिए अभी तक कोई हलचल नहीं हो पाया रेल मंत्री से आग्रह किया है कि अभ्यर्थी की वेटिंग लिस्ट जल्द से जल्द क्लियर कर दिया जाए तो यहाँ पर जब से सर्कुलर जारी हुआ है तब से स्टूडेंट के लिए आगे नेक्स्ट कोई भी अपडेट नहीं आया है ऑफिशियली ऐसा है कि हाँ उन्होंने अपना जो भी वैकेंसी से सर्कुलर जारी हुआ था उसके रिगार्डिंग कहाँ कितने रिक्त पद है, खाली हैं उसके रिगार्डिंग तो यहाँ पर इन्होंने ज्ञापन दिया था आपका तो आगे क्या अपडेट आता है आपको द एग्जाम टाइम्स का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से समय समय पर अपडेट कर दिया जाता है कि द एग्जाम टाइम्स का ऑफिशियल ये, ये टेलीग्राम चैनल रहने वाला है ये देख सकते हैं ये टेलीग्राम चैनल है यहाँ पर जो भी अपडेट आता है आपको सबसे पहले यहाँ पर अपडेट कर दिया जाता है आपका ये कल आरआरबी जम्मू श्रीनगर का अपडेट आया था तो वो भी आपको यहाँ पर दे दिया गया था एल ये एल वाले छात्रों के लिए तो यहाँ पर आप नहीं देखा है तो आप यहाँ पर आकर देख करा दिया गया आगे जो भी एल पी जेई वाले छात्रों के लिए एग्जाम टाइम्स ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल एवं यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा तो यदि दोस्तों आपने एग्जाम टाइम्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को, को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आगे की पल पल की अपडेट के लिए तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ